पहला झूठ जहुण, पहला बचा हुण कार्रवाई, लॉरेंस इंटरव्यू मामले विच एक्शन, लॉरेंस बिश्नोई देश का खूंखार अपराधी है, उसकी जेल विच इंटरव्यू हुई, पहला बड़े दावे किए गए कि इंटरव्यू तो पंजाब की हदूद विच हुई ही नहीं, सीएम साहब ने बयान दे देता, डीजीपी साहब ने सबूत पेश कर देते। पंजाब की जेल में नहीं है और एक सोची समझी साजिश है, पंजाब को, पंजाब पुलिस को बदनाम किया जा रहा है। बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है, जो डीजीपी साहब वालों की पुलिस डिपार्टमेंट वालों वो साड़ी पंजाब की किसी जेल की कोई इंटरव्यू नहीं। पर जब जांच हुई तो सच सामने आ गया, हाई कोर्ट विच सिट वालों किए खुलासे तो बाद पंजाब सरकार नु मजबूरन हुण अपने अफसरां ते कार्रवाई करनी पई। इंटरव्यू मामले विच गुरशेर सिंह संधू सने 7 पुलिस मुलाजमान नु सस्पेंड कर दिता गया। डीएसपी गुरशेर सिंह सीआईए खरड़, डीएसपी समर वनी पीपीएस डीएसपी, एसआई रीना सीआईए खरड़, एसआई जगतपाल जंगू एजीटीएफ, एसआई शगनजीत सिंह, एएसआई मुख्तियार सिंह अते हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश ते बिश्नोई इंटरव्यू दी गाज डिगी। लॉरेंस बिश्नोई दी जेल तो हुई इंटरव्यू ते आखिरकार हुण पंजाब सरकार ने एसआईटी दी रिपोर्ट ते कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। पंजाब दे होम सेक्रेटरी ने डीएसपी गुरशेर सिंह, डीएसपी समर विनीत जो कि उस वेले इकनोमिक ऑफेंस विंग विच सीगे, 3 सब इंस्पैक्टर, 1 एएसआई, 1 हेड कॉन्सटेबल ते कॉन्सटेबल, इन्हां ते इन्हां नूं सस्पेंड करता है। एक पासे 7 पुलिस मुलाजमां ते एक्शन लिया गया, पर इस ते भी सवाल खड़े हो रहे ने। सवाल एसएसपी विवेकशील सोनी ते कार्रवाई ना करन ते। श्रोमणी अकाली दल दे सीनियर आगू विक्रम सिंह मजीठिया ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स ते लिखिया कि पहले तो मुख्यमंत्री भगवंत मान बार बार इनकार करते रहे कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई दे इंटरव्यू पंजाब पुलिस दी हिरासत विच नहीं लई गई। जदों मानयोग पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट ने सीआईए खरड़ विखे हुई इंटरव्यू दी जांच की थी, ते खुलासा किया कि ये इंटरव्यू पंजाब पुलिस दी हिरासत विच करवाई गई सी, तां मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों नूं बचाउण दी कोशिश की थी। हुण जदों हाई कोर्ट ने दोषी अधिकारियों विरुद्ध कार्रवाई करन दा हुक्म दिता, तां आम आदमी पार्टी दी सरकार ने अपने चहेते एसएसपी विवेकशील सोनी नूं बचाउण लई 7 जूनियर अधिकारियों नूं मुअत्तल कर दिता। कारण साफ ते स्पष्ट है कि एसएसपी विवेकशील सोनी मान सरकार दा चहेता है अते उसकी सरपरस्ती हेठ नजायज रेता माइनिंग हुंदी है, जिस दा पैसा भगवंत मान अते आम आदमी पार्टी नूं जांदा है। मजीठिया ने उच्च अधिकारियों ते कार्रवाई ना करन दे दोष लाए, तां कांग्रेस प्रधान अते सांसद राजा वड़ेंग ने बिश्नोई इंटरव्यू मामले विच सख्ती ना करन ते सरकार नूं घेरिया। उन्होंने एक्स ते लिखिया, मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई हेठ आम आदमी पार्टी की सरकार बिश्नोई वर्गे अपराधियों अते उस नूं प्लेटफॉर्म देने वालों नूं क्यों बचा रही है। इन्हां इंटरव्यूआं नाल जुड़े अधिकारियों नूं बरखास्त करन की बजाए सस्पेंड करन की हल्की कार्रवाई की गई, जो बाद विच रद्द की जा सकती है। एक कमजोर रवैया पंजाब सरकार के गैंगस्टरां प्रति नरम रुख नूं उजागर करता है। असल कार्रवाई की लोड़ है, खाली इशारिया की नहीं। इन्हां अपराधियों अते उन्हां दे समर्थकां नूं बचाउण तों रोकण लई पंजाब मंगदा इंसाफ। लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू मामले विच कार्रवाई तां हुणी शुरू हो गई है, पर की उन्हां सारे मुलाजमां ते शिकंजा कसिया जा रहा है जिन्हां ने इंटरव्यू करवाउण विच मदद करवाई। जिस हिसाब नाल जांच दौरान विवेकशील सोनी दा नाम सामने आया सी अते हुण कार्रवाई दौरान नहीं आया, इस नूं लै के कई वड्डे सवाल खड़े हो रहे ने। दे होम सैकटरी ने कार्रवाई तक कर दी है, 2 डीएसपी ते बाकी छोटे मोटे अधिकारियों उत्ते इन्हों नूं सस्पेंड करता है, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट जो हाई कोर्ट आई सी उहदे विच एसएसपी विवेकशील सोनी ते एसपी अमनदीप सिंह बराड़ का नाम भी सीगा। इस जो सस्पेंशन ऑर्डर कल जो सामने आए हैं ये 2 अधिकारियों के नाम नहीं है। ये 2 अधिकारियों भी हाई कोर्ट ने एसआईटी ने जिहड़ी हाई कोर्ट पेश की गई रिपोर्ट उहदे विच डेरिलिंक्शन ऑफ ड्यूटी एंड केयरलैसनैस का आरोपी बनाया सी। हुणे रिपोर्ट सोमवार को हाई कोर्ट पेश की जाएगी, उस तो बाद हाई कोर्ट का की रुख रहिंदा है वह सामने आएगा, क्योंकि हजे भी पंजाब सरकार कितने ना कितने वड्डे अधिकारियों ते कार्रवाई करने तो बचती नज़र आ रही है।